नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, शिक्षा एवं सैबद्ध विज्ञान संकाय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से आपका अभिवादन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे DLED पाठ्यक्रम संख्या 506 के प्रकरण व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच मौजूद हैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से पधारी हुई डॉक्टर ज्योति पांडे मैडम। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। हमारे छात्रों को आप कृपया बताएं कि व्यक्तित्व के बारे में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कितने लोगों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत 3 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें है सिगमंड फ्रायड, एल्फ्रेड एल्डर तथा कार्ल यूंग। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है, एल्फ्रेड एडलर द्वारा वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया गया है तथा कार्ल यूंग द्वारा विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है। मैडम, फ्रायड का नाम बहुत सुना हुआ है, बहुत अलग अलग मायनों में फ्रायड का नाम सुना गया है, लेकिन इस थ्योरी के लिए, इस सिद्धांत के लिए फ्रायड का क्या योगदान है और उन्होंने अपने व्यक्तित्व की इस थ्योरी में क्या क्या कहा, कृपया उस पर प्रकाश डालें। जी रश्मि जी, फ्रायड के द्वारा दिया गया सिद्धांत गतिशीलता एवं अचेतन पर आधारित है। फ्रायड का मानना था कि व्यक्तित्व का विकास विभिन्न द्वंद्वों, संघर्षों, तनावों एवं विभिन्न घटनाओं के माध्यम से ही होता है। हमारे मस्तिष्क का क्षेत्र अचेतन रहता है, जहाँ पर बहुत सारे दमित विचार और इच्छाएं संग्रहित रहती हैं तथा उन सब का हमारे व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी संदर्भ में सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व की संरचना, गतिकी एवं विकास संबंधी विश्लेषण का सिद्धांत इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। सिगमंड फ्रायड का मानना था कि मन के 3 स्तर हैं, पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन तथा तीसरा अचेतन। मन के ये 3 स्तर हमारे व्यक्तित्व पर अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। चेतन के अंतर्गत वर्तमान से संबंधित जितनी भी तात्कालिक अनुभूतियां हैं एवं विचार हैं वो संकेंद्रित होते हैं, जबकि अर्धचेतन चेतन एवं अचेतन के मध्य पुल की भांति कार्य करता है। चेतन मन में विचार नहीं होते, लेकिन प्रयास करने पर प्राप्ति संभव हो जाती है, अर्थात अर्धचेतन मन के अंदर बहुत सारे विचार संकलित तो रहते हैं, लेकिन कई बार वो हमें याद नहीं आते, लेकिन जब हम दोबारा थोड़े समय बाद प्रयास करते हैं तो वो विचार हमको याद आ जाते हैं। जबकि अचेतन के अंतर्गत जितनी भी व्यक्ति की दमित इच्छाएं हैं, वो सभी अनैतिक कार्य, वो सभी असामाजिक कार्य, जिन कार्यों को करने के लिए समाज द्वारा मना किया जाता है, वो सभी इच्छाएं हमारे अचेतन मन में समाहित हो जाती हैं। वहाँ पर यह निष्क्रिय रूप से विद्यमान रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अचेतन मन में की जितनी भी इच्छाएँ हैं वो सब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। वह समाप्त नहीं होती, बार बार वो अचेतन मन जब जब परिस्थिति होती है तब उस परिस्थिति में उन सारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास अवश्य करता है। तो कुछ विचार हमारे चेतन मन में रहते हैं, कुछ विचार अर्धचेतन मन में रहते हैं तथा कुछ विचार हमारे अचेतन में रहते हैं। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए फ्रायड के द्वारा मन की रचना के 3 भाग भी बताए गए। हमारा मन इन्हीं 3 भागों से नियंत्रित रहता है। हमारे व्यक्तित्व में ये 3 तत्व अपना पूरा प्रभाव डालते हैं, जिसमें प्रथम भाग है इदम। इदम हमारे व्यक्तित्व का मुख्य तत्व होता है, यह अतार्किक होता है, यह सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है तथा अचेतन में ही गतिशील रहता है। जबकि इसके विपरीत दूसरा भाग है अहम। अहम पूर्णतः तार्किक होता है तथा
वास्तविकता से इसका पूर्ण संबंध होता है। ये चेतन स्तर पर रहता है तथा यह इदम और परम अहम के बीच में होते हुए भी वास्तविकता के अनुसार ही निर्णय लेने को कहता है। जब तीसरा परम अहम मनोरचना का ऐसा भाग है जो पूर्ण रूप से नैतिक है, पूर्ण रूप से आदर्शवादी है, यह इदम और अहम के मध्य सामंजस्य स्थापना करता है तथा यदि व्यवहारिक रूप में कहें तो इदम से संबंधित सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य परम अहम का है, क्योंकि वह बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, किस कार्य को करने से चीज़ें सही होंगी और किस कार्य को करने से समाज में चीज़ें सही नहीं होंगी। तो इस प्रकार फ्रायड ने इदम अहम परम अहम तथा चेतन अर्धचेतन तथा अचेतन आदि तत्वों के माध्यम से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी अपने सिद्धांत के अंतर्गत फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास की भी बात कही गई। मनोलैंगिक विकास में फ्रायड का ये मानना था कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही लैंगिक ऊर्जा विद्यमान रहती है और ये लैंगिक ऊर्जा विभिन्न मनोअवस्थाओं में विकसित होती रहती है, चाहे बच्चा शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, हर आयु में इस प्रकार की भावनाओं का विकास मनुष्यों में होता है और ये भावनाएं, जिसको फ्रायड के द्वारा लिबिडो का नाम दिया गया, ये मनुष्य की सामान्य आवश्यकताओं के रूप में मानी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है तो मनुष्य अपने आप को सुखी और आनंदपूर्ण महसूस करता है। साथ ही साथ फ्रायड ने ये भी बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य तनाव को कम करना तथा जीवन में सुखमय स्थितियों को प्राप्त करना है। हमारे पास जीवन ऊर्जा भी रहती है और मृत्यु के प्रति एक भय भी रहता है। यह जीवन ऊर्जा कहीं ना कहीं काम संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करके मानव को सुख प्रदान करके ही संभव है। इसी वजह से फ्रायड का मानना था कि ये जितनी भी लैंगिक ऊर्जा है, इसको सामान्य रूप से व्यक्तियों में उनके व्यक्तित्व का सही विकास करने के लिए सही दिशा में इसका प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए फ्रायड के द्वारा इस संबंध में लिबिडो की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था है मौखिक अवस्था। मौखिक अवस्था इस संबंध में प्रथम अवस्था है, जिसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इस अवधि में बच्चों के लिए कामुकता का क्षेत्र, उनका मुंह तथा मुंह से संबंधित होने वाली विभिन्न क्रियाएं होती हैं। चीज़ों को चूसना, दबाना आदि से बच्चा सुख की प्राप्ति करता है और यह सुख की प्राप्ति उसको आनंद देती है तथा लिबिडो की पूर्ति करती है। दूसरी अवस्था है आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था 2 से 3 वर्ष तक होती है, जिसमें कामुकता का क्षेत्र, मुंह से हटकर गुदा एवं लिंग संबंधी क्रियाएं होती हैं। बालक अपने शरीर के इन सभी अंगों को छूकर या उनसे नवीन ज्ञान प्राप्त करके सुख की अनुभूति करता है। तृतीय अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था है, जिसके अंतर्गत बालक अपनी जननेन्द्रियों तथा अपने आंतरिक अंगों को विकसित होते हुए देखता है, महसूस करता है तथा विभिन्न प्रकार की भावनाएं उसके अंदर जन्म लेती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसके अंदर जन्म लेते हैं। इस अवस्था में कहीं ना कहीं जो है बालकों में अपने माता पिता के प्रति भी लिबिडो संबंधी क्रियाओं के संबंध में कुछ विशेष प्रकार की भावनाएं विकसित होती हैं। इसी अवस्था में लड़कियां अपने पिता के प्रति तथा लड़के अपने माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं तथा उनके मन में विभिन्न विचार भी इस संबंध में, विभिन्न प्रश्न भी इस संबंध में उत्पन्न होते हैं। चतुर्थ अवस्था है इस श्रेणी में सुप्तावस्था।
सुप्तावस्था 6 से 13 वर्ष तक का काल है जिसमें कामुकता के किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होता। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाएं सामान्य तौर पर अन्य क्षेत्रों में रुचि लेने लगते हैं तथा इस क्षेत्र से उनका कामुकता संबंधी और लिबिडो संबंधी प्रत्यय से उनका ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था की ओर बालक बढ़ते हैं तो फ्रायड द्वारा बताए गए इस मनोलैंगिक सिद्धांत की 5वां स्तर हमारे सामने प्रदर्शित होने लगता है जो 13 वर्ष से लगातार बालकों के किशोरावस्था में आगे बढ़ने तक चलता रहता है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उनमें परिपक्वता आती है तथा उनमें विभिन्न रुचियों का विकास होता है और जैसे जैसे आगे किशोरावस्था की उम्र में वह बढ़ते जाते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे में फ्रायड का मानना था कि मौखिक अवस्था हो चाहे आरंभिक अवस्था हो, उत्तरावस्था हो या सुप्तावस्था हो या लैंगिक अवस्था हो, इन्हीं सभी अवस्थाओं में बालकों में इस प्रकार के लिबिडो संबंधी आवश्यकताओं के विषय में उनको ज्ञान प्रदान करना चाहिए ताकि वो सही दिशा में आगे बढ़ सकें। क्योंकि उनका मानना था कि यदि बालकों में इस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो बच्चों के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इच्छा की यदि संतुष्टि हो जाती है तो हमारा व्यक्तित्व समग्र रूप से विकसित होने लगता है। यदि हम इस सिद्धांत को मूल्यांकित करें तो निष्कर्ष स्वरूप कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसको बहुत ही विस्तृत तथा चुनौतीपूर्ण सिद्धांत माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें लैंगिक ऊर्जा संबंधित तत्वों पर अधिक बल दिया गया है, लेकिन यदि व्यावहारिक रूप में देखें तो इस ऊर्जा लैंगिक ऊर्जा संबंधी सिद्धांत कहीं ना कहीं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बालक का सही रूप से विकास करने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। सही उम्र में छात्रों का सही क्षेत्र में सही दिशा में विकास करके हम बालकों के व्यक्तित्व का सही से विकास कर सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, आपने बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि फ्राइड ने कितने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए व्यक्तित्व के ऊपर। फ्राइड के शिष्य थे एडलर, तो अब हम जानना चाहेंगे कि उनके शिष्य ने मनोविश्लेषणवाद पर कैसे अपने कौन कौन से नए विचार दिए जो फ्राइड के अलावा थे और क्या खास बातें कहीं जिससे कि हम एक अलग सिद्धांत के रूप में एडलर के विचारों को जानते हैं। कृपया इस बात पर हमारा ज्ञानार्जन करें। जी, एडलर ने बहुत लंबे समय तक फ्रायड के साथ काम किया और शुरुआती समय में उन्होंने उनके इस सिद्धांत का को बहुत सहयोगपूर्ण तरीके से इस सिद्धांत पर उनके साथ शोध कार्य भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रायड से कुछ विपरीत विचारधारा रखी और उनको ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं किन्हीं तत्वों को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और कुछ तत्व पूर्ण रूप से नकार दिए जा रहे हैं। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एडलर के द्वारा एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिस सिद्धांत का आधार ये था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अनोखा होता है, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। हम जिस वातावरण में रहते हैं, क्योंकि वहाँ जितना अधिक हम अंतर क्रियाओं से जुड़े रहते हैं उतना ही वो अंतर क्रियाएँ कहीं ना कहीं हमारे अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। केवल लैंगिक आवश्यकताएं या यौन संबंधी अथवा जैविक आवश्यकताएं ही मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। समाज में रहकर सामाजिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, ये सब भी जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं और यही एक आधारभूत विषय था, आधारभूत पॉइंट था, जिसकी वजह से एडलर के द्वारा फ्रायड के विपरीत एक नए सिद्धांत के रूप में जिसे वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत कहा उन्होंने, उसके रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। एडलर ने व्यक्ति की जीवन शैली को अधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि बालक की जीवन शैली बाल्यावस्था से ही निर्धारित
हो जाती है। हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं ये हमारे पूर्व के अनुभवों पर आधारित होता है। यदि बालक को शुरू के 4 से 5 साल में अत्यंत ही निम्न स्तरीय जीवन जीना पड़े तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होने लगती है, और जैसे जैसे जीवन के विभिन्न वर्षों में वह आगे बढ़ता है वो चाहकर भी उस हीन भाव को दूर नहीं कर पाता। तो यह हीन भावना कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता और असफलता या अक्षमता की स्थितियां भी उत्पन्न कर देती है। ऐसे में उस व्यक्ति के मन में सदैव ये भाव रहता है कि कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना है, अपने जीवन का किसी और क्षेत्र में विकास करना है। फ्रायड से विपरीत विचार होने की एक दूसरी वजह यह भी थी कि इन्होंने लैंगिक संबंधी जो तत्व हैं उनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। इनका मानना था कि हमारे पास चिंतन है, हम भावनाएं रखते हैं, उन सब का भी हमारे लिए, हमारे जीवन को अच्छे से जीने के लिए उन सब का भी उतना ही महत्व है जितना उन जैविक आवश्यकताओं का है। और इसी वजह से इन्होंने कुछ तत्वों की बात भी कही। इन्होंने कहा कि फ्रायड के बिल्कुल विपरीत जाकर, क्यों, फ्रायड ने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन को अलग अलग तत्वों के रूप में माना और हर तत्व की अपनी अलग अलग महत्व हर तत्व का बताया, जबकि इन्होंने माना कि व्यक्तित्व का निर्माण इन सब तत्वों की एकता के फलस्वरूप ही होता है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, इन सब का एकीकृत संगठन ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व अकेले किसी एक या दो तत्वों से मिलकर नहीं बनता। साथ ही साथ दूसरा प्रमुख तत्व इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि हीन भावना आ जाती है, यदि किसी प्रकार की कोई कमी होती है, वो कमी शारीरिक कमी भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि व्यक्ति उस हीन भाव को दूर करने के लिए उस संबंधित क्षेत्र में तो काम नहीं कर सकता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात एडलर ने कही कि उन जिन क्षेत्रों की कमियां हैं उन कमियों को की क्षतिपूर्ति करने के लिए वह अपनी श्रेष्ठता अन्य क्षेत्रों में सिद्ध करने का प्रयास करता है। और जब वह प्रयास करता है तो यह निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर भी अग्रसर होगा। लेकिन यहाँ सफलता के संबंध में भी एडलर ने इस विषय पर कुछ नई बात कही। उन्होंने कहा, सफलता प्राप्ति का प्रयास जन्मजात होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कभी सफलता प्राप्ति का प्रयास जीवन भर नहीं किया और अचानक ये क्षमताएं हमारे अंदर विकसित हो जाएं। यदि जन्मजात गुण के रूप में सफलता प्राप्ति करना, सफलता प्राप्त करना, कोशिश करना, पूर्णता को प्राप्त करना हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, तो हम हमेशा इसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन इस सफलता की प्राप्ति कहीं ना कहीं संघर्ष और तनाव को भी जन्म देगी। जो व्यक्ति संघर्ष करना जानता है, जो व्यक्ति तनाव लेना जानता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि एडलर के द्वारा समाज को विशेष महत्व दिया गया और उन्होंने कहा कि बिना समाज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास तभी संभव है जब हम अपने समाज को साथ लेकर चलें, जब हम समाज को सहयोग करें, समाज से अंतर क्रिया करें। इससे क्या होगा, इससे हमारा भी वैयक्तिक रूप से विकास तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपने समाज को भी आगे ले जा सकेंगे। और सही रूप में सामाजिक विकास करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली का निर्धारण स्वयं करें। स्वयं की आवश्यकताओं को तो साथ में रखें, लेकिन अपने सामाजिक वातावरण, अपनी वंशानुगतता, उन सब को भी अपने जीवन शैली में सम्मिलित करें। और इसी वजह से वो स्वयं को साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सृजनात्मक क्षमताओं का, विधियों का प्रयोग करता है, दिवा स्वप्न भी देखता है और अपने आप को सदैव आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और जब इस प्रकार का प्रयास वो करेगा तो ये निश्चित है कि उसमें निम्न भावों की क्षतिपूर्ति होती जाएगी, उच्च भाव आते जाएंगे, समाज का भी वो विकास कर पाएगा और केवल लैंगिक भावनाओं के ही वशीभूत ना रहकर वो उच्च स्तरीय भावनाओं को अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकेगा। तो इस प्रकार एडलर का सिद्धांत फ्रायड के सिद्धांत के विपरीत
माना जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो इन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक कारकों पर बल दिया तो ये अत्यंत ही तार्किक सिद्धांत भी माना जा सकता है। इन्होंने कामुकता पक्ष की तो अवहेलना की, लेकिन यदि वर्तमान समय की स्थितियों को देखा जाए तो बालकों में सही रूप में सामाजिक विकास करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका सही विकास करने के लिए यह सिद्धांत कहीं ना कहीं उनके स्व का विकास करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जा सकता है। तो एडलर के विचार सामाजिकता से ज़्यादा परिपूर्ण है, फ्राइड के थोड़े कामुकता की तरफ जी, उनसे परिपूर्ण है। अब एक तीसरे मनोवैज्ञानिक का आपने प्रारंभ में नाम लिया था, कार्ल यूंग। उनको हम व्यक्तित्व के प्रकारों के लिए ज़्यादा जानते हैं कि उभयमुखी और बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताए, मनोविश्लेषणवाद पर उनके क्या विचार हैं, अब आपसे इस पर चर्चा हम चाहेंगे। जी रश्मि जी, कार्ल यूंग ने लंबे समय तक फ्राइड के साथ काम किया तो उनके सिद्धांत पर भी कहीं ना कहीं फ्राइड के शोध कार्यों का प्रभाव दिखाई देता है। कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व को एक ऐसी संपूर्णता के रूप में माना जिसमें सभी प्रकार के चिंतन, भाव, व्यवहार, चेतन एवं अवचेतन संबंधी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। कार्ल यूंग का मानना था कि हमारे मन के चार कार्य हैं, संवेदनशीलता, चिंतन करना, भाव महसूस करना और अंतर्ज्ञान की प्राप्ति। और यदि फ्राइड के विपरीतार्थक संदर्भों में देखें, यदि इन चारों में से कोई भी एक तत्व अधिक रूप में उपस्थित हो जाएगा, प्रबल रूप में विद्यमान हो जाएगा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, तो ये निश्चित है कि व्यक्ति लैंगिक भावनाओं से स्वतः ही दूर हो जाएगा। और यदि चिंतन अधिक प्रबल हो गया तो व्यक्ति सारे भावों के प्रति अचेतन हो जाता है। क्योंकि एडलर के साथ भी इन्होंने काम किया और व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांतों के अंतर्गत भी इन्होंने व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार बताए, तो यहाँ पर अपने विश्लेषणात्मक सिद्धांत में भी उन्होंने इसी वर्गीकरण को मुख्य रूप से ये साथ में लेकर चले। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत ही जो प्रकार सिद्धांतों का व्यक्तित्व का इनका वर्गीकरण है, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए कुछ विशेषताएं बताई कि हम जो हैं बहिर्मुखी रूप में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वाक्पटु होंगे, चिंता मुक्त होंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे, लचीलापन उनके व्यक्तित्व में पाया जाएगा, तो और वो बहुत अधिक लोकप्रिय होंगे। जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अल्पभाषी रहेंगे, चिंतामग्न रहेंगे, एकांतशील रहेंगे तथा ये समाज में कम लोकप्रिय माने जाते हैं। कार्ल यूंग का मानना था कि यदि व्यक्ति के पास बहुत अधिक द्वंद्वात्मक स्थितियां आती हैं तो उसके व्यक्तित्व का एक पक्षीय विकास ही संभव हो पाएगा और इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। और अपने इसी प्रकार सिद्धांत को उन्होंने यहाँ विश्लेषणात्मक सिद्धांत में भी संबंधित किया। विश्लेषणात्मक सिद्धांत में उन्होंने फ्राइड के विपरीत, जहाँ फ्राइड ने चेतन को एक अलग अवस्था माना, अहम को एक अलग अवस्था माना, जहाँ एडलर ने चेतन, अचेतन, अवचेतन सबको एक साथ मिलीजुली अवस्था माना, वहाँ कार्ल यूंग ने चेतन एवं अहम को एक अलग तत्व के रूप में माना, जबकि अचेतन को एक दूसरी अवस्था के रूप में माना। इनका मानना था कि चेतन व अहम हमारे वर्तमान विचारों से संबंधित होते हैं तथा जहाँ अहम का संबंध चिंतन होता और भावों से भी होता है। ऐसा नहीं होता कि अहम तत्व का प्रयोग करते समय हमारा मन चिंतन ना करे, हमारे भावों का कोई भी प्रयोग ना हो। साथ ही उन्होंने ये बताया कि अचेतन उन सभी मानसिक क्रियाओं का क्षेत्र है जो अहम से संबंधित नहीं है। कार्ल यूंग के इस सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता है एक अन्य तत्व जो उन्होंने अपने शोध कार्यों के फलस्वरूप दिया, जिसका वर्णन इससे पहले किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं किया गया। अपने सिद्धांत में कार्ल यूंग के द्वारा अचेतन को दो भागों में बांटा गया, पहला व्यक्तिगत अचेतन तथा दूसरा सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन में कार्ल यूंग ने बताया
कि यह अचेतन की ऊपरी सतह है, अर्थात व्यक्ति की जितनी भी अपूर्ण परंतु व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं उनका संकलन इसी क्षेत्र के अंतर्गत होता है। और पुनः अपनी बात को, अपने इस वर्गीकरण को जो व्यक्तिगत के साथ सामूहिक अचेतन की उन्होंने बात कही, ये कहीं ना कहीं जो है वो समाज कल्याण की अवधारणाओं पर आधारित बात उन्होंने कही। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं हम समाज में रहते हैं, जैसा कि एडलर ने भी कहा था, उसी बात को इन्होंने यहाँ अपने सिद्धांत में जोड़कर कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा बहुत सारे भाव अनुभूतियाँ हमें प्रदान की जाती हैं और वो कहीं ना कहीं उसका संकलन क्षेत्र हमारा सामूहिक अचेतन हो जाता है। यदि हम सक्रिय रहते हैं तो पूर्वजों के द्वारा दर्शाए गए मार्गों का प्रयोग हम समय आने पर सामूहिक कल्याण हेतु करते हैं। तो इस प्रकार अचेतन में केवल व्यक्तिगत अनुभूतियाँ ही नहीं रहती हैं बल्कि सामूहिक अनुभूतियाँ भी रहते हैं। जब जब हमें आवश्यकता होती है तो हम विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उन अनुभूतियों का, उन विचारों को बाहर लाकर समाज कल्याण हेतु उनका प्रयोग कर सकते हैं। अपने इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कार्ल यूंग के द्वारा जीवन की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। उनका मानना है पहली अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि उगते सूर्य की भांति है। दूसरी अवस्था है आरंभिक यौन अवस्था, जो जिंदगी की दोपहर के रूप में मानी, चुनौतीपूर्ण मानी। तीसरी अवस्था आत्मबोध तथा चौथी अवस्था वृद्धावस्था, जो जिंदगी की शाम है। तो इस प्रकार कार्ल यूंग के द्वारा भविष्य को महत्व तो दिया ही गया, साथ ही साथ सामूहिक अचेतन का एक नया प्रत्यय भी दिया गया, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों में न तो फ्रायड के द्वारा दिया गया और ना ही एडलर के द्वारा दिया गया, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत में कुछ क्रमबद्धता से संबंधित आलोचना की गई, लेकिन फिर भी नए रूप में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें एक नए तथ्य की जानकारी कराता है, इसीलिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आज हमने चर्चा की फ्रायड, एडलर और यूंग के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों की। बहुत गहन रूप में आपने चर्चा की डॉक्टर ज्योति पांडे, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।